संजय दत्त फिर फंस गए मुसीबत में। अपने ही स्टेटमेंट की वजह से फंस गए संजय दत्त। वॉर फिल्म की एक्ट्रेस ने किया फिलहाल उन्हें ट्रोल। आइए बताते हैं आपको कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। संजय दत्त रिसेंटली पहुंचे थे द कपिल शर्मा शो में, जहां कपिल शर्मा ने संजय दत्त से उनकी 308 गर्लफ्रेंड का राज पूछा और इस पर एक्टर ने जवाब दिया कि ये आंकड़ा खत्म नहीं हुआ है। संजय दत्त के इस बात को सुनकर द कपिल शर्मा शो में मौजूद लोग हंसने लगे थे, लेकिन इस बात से अपसेट है वॉर की एक्ट्रेस दीपान्विता शर्मा। दीपान्विता शर्मा का संजय दत्त और महिलाओं पर आया ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींच रहा है। दीपान्विता शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, An actor on a show to promote his next release talks about his score over 300 girlfriends. The host and audience laughs in good jest. What if a woman said the same thing on a show? Would that be a joke too? This basic gender bias is what has always been wrong. The root of all evil. एक शो पर एक्टर ने अपनी अगली रिलीज फिल्म के प्रमोशन के लिए आते हैं, अपनी 300 से अधिक गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं। इस पर होस्ट और ऑडियंस मजाक समझते हुए हंसते हैं। क्या होगा अगर कोई महिला यही बात एक शो में कहेगी? क्या वो भी मजाक होगा? पूर्वाग्रह हमेशा गलत होता है, ये सभी बुराइयों की जड़ है। बता दें कि फिल्म संजू में संजय दत्त की 308 गर्लफ्रेंड से जुड़ी बात हुई थी, जिस पर कपिल शर्मा ने संजय दत्त से इससे जुड़ा सवाल किया था। इसके साथ ही कपिल शर्मा ने पूछा कि क्या भाभी को इस बारे में पता था या फिल्म के रिलीज के बाद पता चला। कपिल की इन बातों का जवाब देते हुए संजय दत्त ने कहा, मुझसे पूछा गया था लेकिन मैंने कहा कि बीती बातों को भूल जाओ। वेल, क्या आप दीपान्विता शर्मा के इस बात से सहमति रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।